हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 लेटेस्ट मॉडल टीवीएस अपाची आरटीआर 164V। गाइज, डुअल चैनल एबीएस के साथ है, सेफ्टी में और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया। जो कलर आपके सामने खड़ी हुई है ना भाई, काफ़ी बढ़िया। एक तरीके से आप इसको ब्लू कलर बोल सकते हो और बढ़िया लग रही है। पर्पल एक तरीके से ब्लू भी नहीं होगी, ये अपनी पर्पल है। वो पूरी व्हीकल अपनी मैट फिनिश में है भाई, तो और बढ़िया लग जा रही है। एंड डुअल चैनल एबीएस है, तो फ्रंट में भी एबीएस और रियर में भी एबीएस आ गया, जिससे कि व्हीकल की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो जाती है। पैनिक ब्रेकिंग करते हैं, स्किड नहीं होती, स्टॉप ही नहीं होती है, ये काफ़ी बढ़िया बात है भाई। एंड गाइज, इसकी वजह से व्हीकल काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सेफ भी बन जाती है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इंजन में पावर इनटेक, डायमेंशन क्या मिल जाती है, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, एंड ये व्हीकल लेना आप लिए 2024 में कितना बढ़िया रहने वाला है, वीडियो इंटर आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। एंड गाइज, चैनल पर नहीं तो इसको फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में छपाने के लिए। एंड गाइज, अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, टीवीएस की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, बिल्कुल लास्ट टीवीएस पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भाई बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए फिर मेरा देरी के इसके डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह गाइस, इसके सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएंट कलर ऑप्शन प्राइसिंग की। तो गाइस, यहाँ पे आपको टोटल 5 वेरिएंट मिलते हैं, 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मोटी मोटा 172,000 तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड की से अगर देखें गाइस, कुछ ऐसी ओवरऑल की मिलती है जहाँ पे टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड सेम गाइस, यहाँ पे आपको 2 कीज मिल जाती है भाई, एंड वेब कीज ऑफर हो रही है, ये काफ़ी बात है। एक बार आप देख लीजिए, वेब कीज मिल रही है। सो गाइज, ये था इसका कलर ऑप्शन प्राइसिंग वेरिएंट वगैरह। अब इसको मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ कुछ ऐसी ओवरऑल, और यहाँ से आप इसका लो बीम भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे स्विच मिल जाता है, तो ये गाइज इसका लोअर बीम ऑन हो जाता है। जैसे ही लोअर बीम ऑन होता है, वैसे ही इसका जो DRL का ब्राइटनेस वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, तो बढ़िया लग रहा है। एंड इसको गाइज ऑफ करते हैं, एंड रियर भी दिखाई देता हूँ ऑन करके। एंड गाइज, कुछ ऐसा अपने को रियर प्रोफाइल मिलता है, LED टेल लैम्प, टर्न सिग्नल, हैलोजन ही आ रहे हैं। एंड गाइज, फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी ओवरऑल अपने को फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, जहाँ पे गाइज ऊपर अपने को MID मिल रहा है। नेकेट सैमंग बैग है, तो बहुत ज़्यादा फेयरिंग नहीं मिलेगा। नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, टर्न सिग्नल वही अपने को, रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप मिल रहा है। यहाँ पे आपको LED पूरा हेडलाइट मिलता है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्न अपने को DRL मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया शेप में। मतलब अलग से ही पार्ट है, लेकिन पूरे हेडलाइट में ही सेटअप है। लो बीम हाई बीम अपने को LED देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइज, नीचे देख रहे हैं तो अपने को जो फेंडर मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया ब्लू कलर में पूरा मैट फिनिश है। TVS रेसिंग की यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जा रही है। फ्रंट में अपने को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर हो जा रहे हैं। ABS DC RLP यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो कि डुअल चैनल ABS को बताता है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको 270mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। कैलिपर्स मिल जा रहे हैं, फ्रंट में भी ABS, रियर में भी ABS। एंड अगर बात कर लेते हैं भाई इसके हम लोग टायर प्रोफाइल की, तो एक बार गाइस यहाँ से ही देख लेते हैं हम लोग। तो गाइज, इसमें आपको 90x90 सेक्शन टायर मिल रहा है, 70 inches ऑफ अलॉय व्हील और रेड कलर का अलॉय व्हील। ओवरऑल बॉडी कलर से काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है और भाई बढ़िया लग रहा है। इसकी साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइज अपने को 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया से अग्रेसिव फ्यूल टैंक मिलता है। जहाँ पे आपको 3D लोगो मिल जाता है अपने TVS का, ग्राफिक्स मिल जा रही है, कुछ डिज़ाइन टेक्सचर मिल रहे हैं। पूरा पार्ट आप देखते हैं तो भाई अपने को ये अगर देख रहे लेना एक बार, फाइबर का मिलता है। ये व्हाइट कलर की स्टेप भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। फ्यूल नो मिल जाता है, इसे व्हीकल में फ्यूलिंग कराएंगे। E20 की ब्रांडिंग मिल जाती है, फ्लेक्सिबल को सपोर्ट करती है व्हीकल। ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी सही से ओवरऑल मिल जाती है, टेक्सचर वगैरह आप देख रहे हैं। एंड नीचे गाइस अपने को देख रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया इंजन कार्ड देखने को मिल जा रहा है, जहाँ पे आपको HyperAge की ब्रांडिंग मिल जा रही है। ये भी सब मैट फिनिश में है। ये गाइस अपना इंजन, जो कि अभी हम लोग इसके पावर एंड टॉक, माइलेज वगैरह हर एक चीज़ की बात करेंगे। गार्ड मिल जा रहा है, एग्जॉस्ट मिल जा रहा है। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अपने को O2 सेंसर भाई अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस अपने को रिस्ट मिल जा रहा है, फुट रिस्ट मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे आपको देख रहे हैं तो रबर की ऊपर कोटिंग मिल जा रही है, जिससे कि थोड़ी सी जो इसकी क्वालिटी है वो कुशनिंग अच्छी हो जा रही है। यहाँ पे आपको ब्रेक लीवर मिलेगा। रियर पैसेंजर के लिए अपने मेटेलिक मिल जाती है, फुट रिस्ट, काफ़ी बढ़िया से एग्जॉस्ट मिलता है अपने को, और काफ़ी बढ़िया एक साउंड भी ये निकाल के दे देता है। कॉम्पैक्ट कर दिया गया, सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा था, रियर में अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, प्रॉपर स्प्लैश वगैरह मिलता है। यहाँ पे आपको रियर टायर अगर मिल जा रहा है, टायर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो 130x70 सेक्शन टायर मिल रहा है, 70 inches ऑफ अलॉय व्हील। और गाइज, यहाँ पे अब अपने को रियर में डिस्क ब्रेक के साथ साथ अब ABS भी ऑफर होने लगा है, तो सेफ्टी में भी काफ़ी बढ़िया रोल अब ये प्ले करता है अपना अपाची आरटीआर 164V। डिस्क ब्रेक साइज को तो 240mm का रियर में अपने डिस्क साइज मिल रही, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फ्रंट में भी 270 का आ रहा था, रियर में 240। एंड व्हीकल काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाती है, बिकॉज फ्लैट सीट आ रही है। एंड सीट की अगर कुशनिंग वगैरह देखते हैं तो काफ़ी सही सीट की कुशनिंग मिल रही है। एंड यहाँ रेड एंड ब्लैक कलर में आ रही है। यहाँ पे आपको आरटीआर 164V की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड पैनल पे भी अपाची की ग्राफिक्स आ जा रही हैं। एंड गाइज, अगर आ जा रहे हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, तो स्प्लिट गैबरेल हैंडल्स ऑफर हो रहे हैं। LED यहाँ पे आपको टेल लैम्प देखने को मिल जा रहा है, यहीं से आप अपना सीट ओपन करोगे। टर्न सिग्नल हैलोजन आ रहा है। यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप,
एंड रियर टायर अगर प्रोफाइल चेकआउट करिए रियर की बढ़िया लग जाती है। एंड गाइस उसी की बात अगर आ जा रहे हैं इसके लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ तो सेम जैसी राइट साइड है वही चीज़ें लेफ्ट साइड में मिल रही है। अपाची की ब्रांडिंग, टीवीएस की ब्रांडिंग, आरटीआर 164 भी वीमेंस के लिए फ्रेंडली है बिकॉज यहाँ पे आपको वीमेंस के लिए मिल रहे हैं फुट रेस्ट, साड़ी गार्ड, ओपन चैन ड्राइव सिस्टम है तो कुछ ऐसा ओवरऑल मिलेगा भाई अपने को लुक। साइड स्टैंड आता है, साइड स्टैंड इंजन कॉड ऑफ के साथ, एंड गाइज 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, स्प्लिट गियर लीवर्स मिलेंगे, डबल स्टैंड आ जा रहा है, आरटीआर 5 ट्यून की ब्रांडिंग, हाइपर एज की ब्रांडिंग मिली रही है। गाइज यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह सेम उसी तरह है, एंड कुछ ऐसा ओवरऑल आप देखिए तो अपने को काफ़ी बढ़िया एग्रेसिव टैंक एंड MID वगैरह प्रॉपर मिल जा रहा है। सो MID को देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे आपको अपने को फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पे गाइज अपने को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, लैप वगैरह मिल जाते हैं, रियल टाइम मिलेगा और एवरेज स्पीड देखने को मिलेगा, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है तो नेविगेशन वगैरह एंड कोई भी कॉल अलर्ट मैसेज वगैरह प्रॉपर आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा जब आप इसको कनेक्ट करोगे अपने फ़ोन के थ्रू। यहाँ पे देखेंगे तो लैप आ गया और 0-60 लैप आ गया, बाकी स्पीडोमीटर वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर वगैरह मिल जाते हैं, नीचे इंजन ट्रैक लाइट, ABS, टर्न सिग्नल, न्यूट्रल, लो फील्ड इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें की इंडिकेशन मिलेगी। 2 buttons मिल जाते हैं M&S, ऊपर अपने को एक RPM लाइट मिल जाता है, नीचे अपने को फिजिकल की नोब, हैंडल बार, स्विचेस को देखते हो तो राइट साइड में इंजन कट ऑफ का स्विच, मोड का स्विच आ जाता है, 3 modes आते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, अर्बन मोड, स्पोर्ट मोड, रेन मोड। एंड उसी के बाद यहाँ पे आपको भाई लो बीम का मिल जाता है एक अलग से डेडिकेटेड बटन, सेल्फ स्टार्ट का बटन। यहाँ पे देख रहे हैं तो भाई अपने जो लीवर्स है 3-step एडजस्टेबल मिल रहे हैं दोनों टाइप, दोनों साइड। यहाँ पे आपको पास का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न का स्विच, इन्फो बटन देखने को मिल जाता है। डुअल चैनल आने की वजह से काफ़ी बढ़िया व्हीकल देखते हैं तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो जाती है। यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट की एक ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। सो गाइस यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं तो अपने को जो इंजन मिलता है भाई वो मिल जाता है 159.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल FI BS6 फेज 2 इंजन, जहाँ पे मैक्स पावर 16.2 BHP की मिल रही है 1000 RPM पे एंड 14.8 Nm की टॉर्क मिली 6500 RPM पे। माइलेज अप्रॉक्स 40 किलोमीटर पर लीटर तक के दे देती है, 42-45 किलोमीटर पर लीटर, टॉप स्पीड अप्रॉक्स 115 किलोमीटर पर आवर तक की देखने को मिलती है, उसके ऊपर भी जाती है ये। एंड अगर बात कर लेते हैं भाई हम लोग इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आ रही थी। एंड अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो ओवरऑल लेंथ 2035 mm की मिलती है, विथ मिल जाती है 790 mm की, 1050 mm की ओवरऑल हाइट, 1357 mm की व्हील बेस, ग्राउंड क्लीयरेंस गाइस 180 mm की देखने को मिल जाती है एंड सीट हाइट 800 mm की एंड कर्व वेट 146 kg की ओवरऑल इस व्हीकल की मिल जा रही है। कलर ये काफ़ी बढ़िया लग रही है, 5 variant 5 color ऑप्शन के साथ ऑफर होती है। अपाची RTR 164V एंड भाई एलॉय व्हील का कलर इसके साथ कैसा लग रहा है, इस कलर ऑप्शन के साथ पर्टिकुलर आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड इस जो कलर का टेक्निकल नेम है वो भी भाई मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लाइटनिंग ब्लू कलर गाइज इसका टेक्निकल नेम है, जहाँ पे एलॉय व्हील रेड कलर कहते हैं। पूरी बॉडी अपने को मिलती है भाई मैट ब्लू कलर में जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है एंड मोटी मोटा 172,000 ऑन रोड कॉस्ट करेगी। व्हीकल एक नंबर, काफ़ी बढ़िया फैमिलियर भी है और स्पीड वगैरह तो भाई इसका एक नंबर है ही, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी में भी अब बढ़िया हो गई बिकॉज डुअल चैनल ABS आ गया है। सो गाइस ये था इसका फुल डिटेल रिव्यू, प्राइसिंग वगैरह मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसे बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में छपाने के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।